बेतिया में जमीनी विवाद में गोलीबारी की घटना का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि तीन से चार लोग हाथ में दुनाली बंदूक लेकर ट्रैक्टर से जमीन जोत पा रहे हैं। इस दौरान कुछ महिलाएं जमीन जोतने पर विरोध करती हैं, जिस पर एक व्यक्ति उन महिलाओं पर गोली चला देता है। इस घटना में दो बच्ची महिला समेत पाँच लोगों को गोली का छर्रा लग जाता है। घायल व्यक्तियों की पहचान नकटी पटेरा गाँव निवासी हरि महतो के 12 वर्षीय पुत्री अमृता कुमारी इंद्रदेव महतो के 17 वर्षीय पुत्री बबीता कुमारी ढोड़ा महतो के 40 वर्षीय पत्नी मंजू देवी हृदया महतो के 50 वर्षीय पत्नी चंदा देवी एवं देवकी महतो के 45 वर्षीय पत्नी श्यामा देवी के रूप में की गई है। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को बेतिया GMCH में लाया गया, जहां सभी का इलाज जारी है। वही घायलों में एक की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने पटना रेफर कर दिया है। पूरा मामला जिले के जगदीशपुर ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत नकटी पटेरा गांव का है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जगदीशपुर थाना क्षेत्र में एक जमीनी विवाद के मामले में एक पक्ष के द्वारा फायरिंग किया गया था, जिसमें कुल पाँच लोग इंजर्ड हैं, जिसमें चार लोग जो हैं अभी सुरक्षित हैं और एक की हालत गंभीर है, उनको रेफर भी किया गया है। और इस पूरे मामले में फर्द बयान के आधार पर 7 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है और अभी तक एक अभियुक्त की अरेस्टिंग भी कर ली गई है। बाकियों के खिलाफ भी लगातार छापेमारी की जा रही है और उनको भी जल्द अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये जमीन विवाद का मामला था, एक तरफ भूधारी लोग थे और दूसरे तरफ पर्चाधारी लोग थे। इन दोनों के बीच बहुत दिनों से विवाद चला आ रहा था, उसी सिलसिले में ये घटना घटी है।